हरिबोल। आए आरती उतारेंगे, भागवत कथा के प्रसंगों की ओर चले। समय ऐसे ही ज्यादा हो गया है क्योंकि एक अनार और 370 बीमार, तो एक ही अनार क्या क्या करे विचार। आरती पावन पुराण की धर्म भगति Thank you.
स्थान लें। महाराज श्री, मैं शेखावत बोल रहा हूँ। महाराज श्री, आपकी अनुमति से महाराज श्री आए तो उनका स्वागत करा लो। आवश्यक। हाँ जी, पूज्य जगदीश प्रसाद जी मिश्रा यहाँ पधारे हुए हैं और वो परिव्राजक के रूप में घूमते रहते हैं। मध्य प्रदेश अनूपपुर से आए हुए हैं यहाँ, तो आज उनका यहाँ कथा में आगमन हुआ है। तो राजेश जी प्रार्थना है कि वो उनका फूलहार और साल उड़ा कर उनका स्वागत करें। बजा दो। हेलो, इसमें कुछ नहीं है भाई आज। हेलो हेलो, सेम करके छोड़ो। उद्बोधन 2 मिनट के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, महाराज श्री से अनुरोध है 2 मिनट आप समय को देखते हुए। ब्राह्मण प्रसादाम धरणी धरो हम। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीर्थजाम्बूफलचारुभक्षणं उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वसुदेव सुतं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम श्रद्धे हमारे स्वामी जी जो कथा व्यास हैं उनकी हृदय से हम वंदना करते हुए व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय वैष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। परम श्रद्धेय मंच, हमारे इस भगवान भागवत कथा के प्रमुख आयोजक श्रद्धे शेखावत जी, सभी यहाँ पर उपस्थित श्रद्धेयजन, देवी स्वरूपा माताएं बहनें और देव स्वरूप सभी भाइयों, आप सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो कि भागवत कथा अमृत का पान कर रहे हैं। कथा को अमृत से भी बढ़कर कहा गया है, कथा का महत्व अमृत से बढ़कर भी से है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि सुखदेव जी को भी देवताओं ने लुहाया कि आप ये अमृत ले लीजिए और ये कथा पहले हमको सुना दीजिए, परीक्षित जी को नहीं। तो सुखदेव जी तो वीतराग मुनि हैं, तो उन्होंने कहा
को सुधा को कथा, कहाँ ये सुधा है आपकी और कहाँ कथा, यानी उसका कथा का महत्व जो है सुधा से भी बढ़कर के है। तो आप अपनी देवताओं अपने ये अमृत अपने पास रखें, मैं तो भगवान की कथा का रसा अमृत जो है पान करूंगा और लोगों को भी इसका रसपान कराऊंगा। किम कांचन किम आज्ञा। हाँ स्वामी जी, तो अभी आप सभी लोगों ने बड़ी तन्मयता पूर्वक भगवान की कथा स्वामी जी के मुखारविंद से सुनी होगी। समय कुछ ऐसा है, दशहरा दीपावली के बीच का समय है, उपस्थिति कुछ हमें कम दिखाई दे रही है, फिर भी जो भी हैं वे बड़े ही पुनीत आत्माएं हैं, बड़ी संस्कारी आत्माएं हैं और आप सभी को लाभ तो मिलेगा ही। आपके कथा सुनने के बाद से आपके परिवार को भी लाभ मिलेगा और आप जिससे भी मिलेंगे, क्योंकि अमृत जिसके पास भी जाएगा उसका कल्याण करेगा। तो ये आज कथा का स्वामी जी खष्टम दिवस है। हाँ खष्टम है, रुक्मिणी स्वयंवर जी। हाँ बहुत अच्छी बात है। ये खष्टम दिवस के संबंध में थोड़ी सी बात आप लोगों को बता दूं। जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, छठवां ही दिन था और परीक्षित जी वो कथा सुन रहे थे, लेकिन उनका कथा सुनने में मन नहीं लग रहा था। सुखदेव मुनि वीतराग थे, उन्होंने उनकी मन स्थिति को ताड़ लिया और सोचे कुछ अब विषयांतर किया जाए, नहीं तो इसका मन भगवान की ओर नहीं लगेगा। तो उन्होंने एक कथा के माध्यम से एक कथा सुनाई कि सुनो राजा, बहुत प्राचीन समय में एक राजा था और वह वन को गया शिकार खेलते खेलते, वह वन में भटक गया और रात अंधेरी हो गई। भटकने के डर से यहाँ वहाँ वो आश्रय ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वन में ही एक उसको झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी से टिमटिमाती हुई रोशनी आती दिखाई दी। सोचा चलूं यहाँ मैं आश्रय पालूं। वह राजा उस कुटी के पास पहुंचा और वहां से आवाज लगाई कि भाई कोई हो मुझे तो मुझे आश्रय दे दो। भीतर से ही आवाज आई कि भाई तुम कौन हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं राजा हूं, भटक गया हूं, रात भर का मैं आश्रय चाहता हूं। तो बोले ठीक है भाई, मैं आश्रय तो दूंगा, लेकिन जितने भी लोग यहाँ आते हैं आश्रय मांगते हैं एक दिन के लिए, फिर जाने का नाम नहीं लेते, तो तुम भी तो ऐसा नहीं करोगे। बोले नहीं नहीं, मैं तुमको वचन देता हूं कि मैं सुबह चला ही जाऊंगा। अंत में उसको उनको उस राजा को आश्रय मिलता है। समय रुकता नहीं, समय आगे बढ़ता है। भोर हो जाती है। वह राजा बोलता है कि मुझे यहां बहुत अच्छा लग रहा, मैं नहीं जाऊंगा। तो बोला तुम तो मुझे वचन दिए थे, कैसे नहीं जाओगे, तुमको जाना पड़ेगा। बोले नहीं, मैं किसी हालत में यहां से नहीं जा सकता। इतने में ही इस कथा को सुनकर परीक्षित जी बोले वह कैसा बेवकूफ राजा था कि जिसने वचन दे करके और ये मुकर गया और उस स्थान को छोड़ नहीं रहा। तब स्वामी जी परीक्षित जी बोलते हैं, सुखदेव जी परीक्षित से, वह राजा कोई नहीं, वह राजा तुम ही हो और वह बेवकूफ राजा दूसरा नहीं तुम ही हो, क्योंकि वह कुटी नहीं है, यह तुम्हारा शरीर है और इस शरीर के अंदर तुम रहते हो और एक वक्त लेके आए हो, एक बादल लेके आए हो, उतने दिन तक तुमको रहना है और उसको तुम छोड़ने का नाम नहीं लेते हो। तुमको इस शरीर से बड़ा भारी मोह हो गया है, इस हाड़ मांस का शरीर, इसमें मांस मज्जा क्या क्या नहीं भरा है,